तो एक और सुहाना दिन और एक और नया ब्लॉग। तो वैसे बज रहे सुबह के 9 और अभी निकल रहा हूँ जिम से। डेफिनेटली रेनकोट पहना हूँ तो बारिश हो रही है। हेलो 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 हेलो। Several song-filled hours later. तो सुबह जिम से तो आया नहाया वाया, थोड़ा देर रेस्ट किया और अभी मेरा भी सेकेंड राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट चल रहा है। सुबह फर्स्ट राउंड में थोड़े अंडे वगैरह थे और अभी रोटी है, थोड़ा सा चिकन है और दही है। तो अभी मैं वापस से थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करने लग गया हूँ। कुछ दिन थोड़ा बिगड़ गया था टाइम की कमी की वजह से, पर अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि टाइम की कमी का बहाना देने से नहीं होगा, डाइट मेंटेन करना ही पड़ेगा। और सैटरडे संडे को नहीं मेंटेन करने से भी चलेगा, मतलब हफ्ता में एक दिन तो चीट चलेगा ही। सैटरडे रात से शुरू होगा और संडे पूरा दिन और फिर पूरा वीक स्ट्रिक्ट डाइट। वैसे भी बज रहे 2:05, 2:03 जो भी है। घर से निकलने का टाइम हो गया। गला बैठा बैठा लग रहा है, पर बैठा है नहीं, मैं ही धीरे बोल रहा था। अभी वैसे बारिश बहुत ही हल्की सी हो रही है, कल से तो हो ही जा रही है बारिश, मतलब नॉन स्टॉप हो ही जा रही है, इसलिए मैंने रेनकोट वगैरह ले लिया। अच्छा है कि अभी नहीं हो रही उतनी ज़्यादा तेज़, क्योंकि वरना मुझे अभी वापस से पहनना पड़ता, क्योंकि यार पता ही आप लोगों को मुझे झमेला ही लगता है रेनकोट पहनना उतारना। मतलब मुझे कैसा वेदर चाहिए बोलो तो, अगर ऐसा पॉसिबल होता, अगर हम इंसानों के हिसाब से ये जो मौसम है अगर ये सेट होता, तो वो टाइम पे मैं एक ऐसा टाइप का वेदर चाहता जहाँ पे रात भर बारिश हो, ताकि नींद बढ़िया है, और सुबह जब हम लोग काम पे निकले तो बारिश रुक जाए। पर ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, ये तो बस एक तरह का फैंटेसी है। पर जो लोग फिर कार वगैरह में ट्रैवल करते हैं, वो लोगों को वैसा कोई दिक्कत कभी होती नहीं होगी शायद। मेरे काम के हिसाब से मुझे 2-व्हीलर ही चाहिए, तो मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, वरना मैं भी शायद ऐसा बातें नहीं बोलता। पर जो भी है, अगर मैं फ्यूचर में तो डेफिनेटली कार तो खरीदूँगा ही, चाहे मेरा पहला कार सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड हैंड ही होगी पहली कार। सीखने के लिए तो लेना पड़ेगा, या फिर आज से 10 साल बाद जो भी गाड़ी चलाऊँ, मैं तब भी बाइक ही ज़्यादातर चलाऊँगा, क्योंकि बाइक के लिए जो मेरा प्यार है ये थोड़ा अलग ही टाइप का प्यार है। वो प्यार, वो खुशी मुझे कार से नहीं मिल सकती। तो सामने एक बार फिर ये बरमूडा ट्रायंगल को मैं क्रॉस करूँगा, पर कहाँ से करूँ, साइड से भी स्कूटी वगैरह है, यहाँ से निकलते हैं। गाय माता आप जाइए प्लीज़, आगे गाय माता लोग का झुंड है, मुझे बड़े ही सावधानी से जाना पड़ेगा ताकि इन लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए और मुझे भी कोई दिक्कत ना आए। चलो मिशन सक्सेसफुल। मैं अगर आज ये सीधा रास्ते से गया तो आगे तो शायद जाके मेरा आधा चक्कर डूब ही जाएगा, इसलिए मैं ये वाला रास्ता लेने वाला हूँ और उसके बाद टेंशन नहीं, उसके बाद तो मेन रोड ही है। चलो यार मेन रोड पहुँच गया। अब कल से ना मैं ये बारिश के मौसम में ना मेन रोड से ही जाऊँगा। मैं वो वाला रास्ता इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी शॉर्टकट पड़ती है, पर वो थोड़ी सी शॉर्टकट के चक्कर में मेरे बाइक को और मेरे पैर को थोड़ा कीचड़ का सामना करना पड़ता है। तो कल से वो नहीं होगा, इधर नहीं होगा, पर फिर सामने एक मेजर कीचड़ का रास्ता है, मतलब एक बहुत ही लंबा रास्ता है जहाँ पे बस पॉटहोल्स है। मैंने उस पर भी एक ब्लॉग बनाया था डेडिकेटेड, इंडियन रोड्स आर वेरी डेंजरस, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लेना, मैं लिंक ऊपर आई बटन दे दूँगा। बहुत दिन से ऊपर आई बटन में कोई लिंक भी नहीं दिया, तो आज ये दे दूँगा। और बारिश धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, होपफुली मैं पहुँच जाऊँ जल्द से जल्द। अब सही में मेरे को पता, अभी रोने का मन कर रहा है यार, मतलब तेज़ हो गई बारिश। यहाँ पर इतनी सारे बस वगैरह साइड में खड़े हैं, तो अभी वापस से मुझे ये महान रोड क्रॉस करना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश मेरी वीडियो की थोड़ी रीच बेहतर होती, तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं जब ये रोड्स वगैरह को दिखाता हूँ, तो ये सब रोड का जो हालत है और जो लोग भी ये सब के मेंटेनेंस के इंचार्ज है, उन तक शायद ये बात सही तरीके से पहुँचती कि सही में यार ये सब का रिपेरेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही कभी कभी सोचता हूँ, काश अगर मेरी वीडियो की रीच थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद इन सब प्रॉब्लम के बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा मैसेज जाता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और शायद ये सब प्रॉब्लम हल हो जाती जल्द से जल्द।
बारिश तो यार बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई, इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया। चलो चलते हैं। यहाँ देखो यार, बच्चे लोग बारिश में रुक के मस्त पुचका खा रहे। ये लोग पुचका खा रहे या फिर वेट कर रहे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। खा ही रहे थे शायद। मेरा अभी एक ट्यूशन कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अभी जल्दी घर आ गया। कितना बज रहा है वैसे अभी? 5:15। 1 घंटा के बाद वापस जाना है। मैं वैसे ही फिर निकला घर से, टाइम हो गया था निकलने का तो निकल गया। बारिश हो ही रही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक्निक ये लोगों ने लगाया है। भाई का शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है लेफ्ट वाले बाइक में, और राइट साइड वाले भाई साहब उसे पैर से लगा के लेके जा रहे हैं। वाह, बढ़िया बढ़िया। क्या रे, अंधेरा में पड़ रहे, पागल ही क्या? हाँ, इधर स्ट्रेसिंग करते करते पड़ रहे। कर रहे होमवर्क की ऐसे ही घर पे पढ़ाई? मैथ्स कर ही लो। अच्छा वैसे दीपेश कल मेरे पास एक कंप्लेन लेके आया कि इसको बहन में वो लड़का क्या बोला था, थप्पड़ मारेगा। क्यों, तू उसका सीट पे बैठा था इसलिए? नहीं। तो फिर हम डेली वहाँ पे बैठते हैं, वो विंडो सीट में ना। तो आज सुबह मैं वो लड़के से बात किया, वो तो ब्लॉग में ढाल नहीं सकता। मैं अच्छे से समझाया, भाई देख अच्छा से रहे, वैसा कुछ दादागिरी मत कर। फिर वो कुछ बोला नहीं ना, और कुछ अब बोलेगा भी नहीं। कुछ बोलने से मेरे को बोलना डायरेक्ट, समझा? ले रे टोस्ट खा। नहीं खाता ये तो। तो अच्छा, आई भी है। नहीं खाता है, क्या खाता है फिर? ये तो उसने, क्या खाता है फिर? ओरियो? ओरियो? वैसे बज रहे रात के 10:20, और ये दीपेश ने सही में मुझे पागल कर दिया है। ये इतनी रात को मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का इसका एक और एक मतलब कार्ड बनाना है, और एक दोनों और दो बनाना है। क्या क्या चीज का? जन्माष्टमी का और उसका मोहर्रम का। तो अभी क्या जिसका बनाने बनाने के लिए क्या है तू? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का इतने रात को, और कल चाहिए। इतनी देर से क्या कर रहा था? हाँ इतनी देर से क्या कर रहा था? चल रेडी कर फिर, क्या कर सकता है, बना देता है। ओ राखी भी लेके आ गया क्या? हो जाएगा। चलिए पेपर कटिंग तो हो गया। ये मेरा कॉपी है, ठीक है, तेरा नहीं है। ये लैम्बोर्गिनी है। चल सही पकड़ा। क्या लिखना है? हैप्पी रक्षाबंधन। राखी लिख दे बस। रक्षाबंधन राखी लिख देते हैं। राखी को रक्षाबंधन लिख दे। रुक जा, जगह होगा तो लिख देगा। बैंड हैप्पी रक्षा बैंड बैंड ध्यान हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल फॉन्ट, समझा? क्या बोलते हैं? फ्री स्टाइल फोन। फोन नहीं भी, फॉन्ट। फॉन्ट फॉन्ट हो गया। हैप्पी रक्षाबंधन। क्या हुआ, क्या हुआ रे पुष्पा? तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक राखी चिपकाया है। तो अभी मैंने जैसे तैसे दीपेश को थोड़ा हेल्प किया कार्ड बनाने में, वो भी थोड़ा बनाया थोड़ा बहुत, और बीच में बस एक राखी लगा दिया। नेक्स्ट टाइम ना भाई प्लीज़ 1-2 दिन जल्दी बोलना, ठीक है, ताकि हो जाए ढंग से। सामने का दिखा, कल भी बनाना है। ठीक है, कल उसका किसका बनाना है? सामने का दिखा तो सही है, पर मोरम का कुछ भी बना देगा ना। और एक कलर कर देना, ठीक है, इसमें रेड और इसमें येलो। कल दो थे ही बना लेगा। ओके तो चलो यार, करते हैं आज के ब्लॉग में ये पेंट, और ब्लॉग को ज्यादा करने का फायदा नहीं है। चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल के दूसरे लोग देखना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।